असल में भैया को लेकर पिताजी बहुत ही ज्यादा परेशान में हैं। क्यों, क्या क्या डर भैया ने? कुछ करता ही तो नहीं है ना, वही तो परेशानी है। कुछ तो सोचा होगा उन्होंने अपने भविष्य के बारे में। वही तो नहीं पता, घर पे ही ऐसे ही बैठे रहते हैं। काम तो कुछ है ही नहीं उसका, इसीलिए बेकार बैठने पे ही मजबूर है। पर तुम्हारी तो खेतीबाड़ी भी है ना? खेतीबाड़ी? क्यों, क्या हुआ? भैया को तो खेतीबाड़ी के ऊपर एकदम भी रुचि नहीं है। क्या बात कह रही हो? नहीं, सच में मैं बोल रही हूँ अंजू। भैया और खेतीबाड़ी मान लो कि जैसे नदी के दो किनारे हैं जो मिल ही नहीं सकते। और जब भी भैया को बोलो खेती के बारे में, बहुत ही ज़्यादा ही गुस्सा हो जाता है वो। गुस्सा क्यों आता है? खेती करने से तो वो अच्छे से अपना गुजारा भी चला सकते हैं। लेकिन बात यह है कि ना, खेती से इतना मुनाफा तो होती नहीं, ऊपर से पैसा भी इतना नहीं है कि हम लोग बड़े बड़े मशीनें खरीद ले खेती के लिए। और सबसे बड़ी समस्या तो ये है कि जितना भी मेहनत कर लो, साल भर का गुजारा तो खेतीबाड़ी से होती ही नहीं है। और यही सब सोच के भैया भी कुछ भी नहीं करना चाहता। ठीक है, तू एक काम करना, कल तू अपने भैया को लेकर मुझसे मिलना। मैं उन्हें कल किसी से मिलवाऊंगी, फिर तुम्हारी सारी समस्याओं का हल हो जाएगा। अरे तू भी ना अंजू, बातों को इतना ज़्यादा घुमा फिरा के बोलती है। चलो कोई नहीं, मैं देखती हूँ, भैया से एक बार बात करती हूँ और हो सकता है तो कल मैं उसको लेके आऊँगी। लेकिन अभी तो मैं चलती हूँ, घर में जाके खाना भी बनाना है। भैया की जल्दी से शादी करवा दे, तब तू टेंशन फ्री। पहले वो खुद का तो खर्चा निकाल ले, उसके बाद सोचे वो शादी के बारे में। मैं सब कुछ ठीक कर दूंगी, तू चिंता मत कर। चल, तेरा जादू भी देख लूंगी कल। चलो बाय, कल देख लेना मेरा जादू। अच्छा अच्छा ठीक है, बाय। सुबह से नहीं दिखे, इतनी रात के कहाँ थे? कब से खाना खाने का इंतजार कर रहा हूँ तुम्हारा। इंतजार करने की क्या जरूरत थी पिताजी, आपको खाना खा लेना चाहिए था। वैसे भी मैं एक दोस्त के घर गया था। अच्छा ठीक है, अभी जा हाथ धो के आ जल्दी से, खाना खा ले पहले। मैं खाना खा कर आया हूँ। पिताजी, आपसे एक जरूरी बात करनी है। क्या बात है, बोलो। मेरे एक दोस्त ने अपने बड़े भैया से आज मुझसे बात करवाई। वो गुवाहाटी में एक बहुत बड़ी कंपनी में नौकरी करते हैं। उनकी कंपनी में आदमियों की जरूरत है। मैं सोच रहा हूँ कि क्यों ना मैं वहां जाकर नौकरी कर लूं। पिताजी, आप कुछ बोलते क्यों नहीं है? तुमने निर्णय ले ही लिया है तो ठीक ही है, तुम्हारे मन में जो आए करो। तुम गुवाहाटी चले जाओगे तो हम यहाँ पे अकेले हो जाएंगे। तुम्हारी माँ के जाने के बाद निर्मला ने घर संभाल लिया, और घर के साथ साथ कॉलेज के लिए भी समय निकाल लेती है। उसके पास तो समय ही नहीं है। जाओ, तुम यहाँ पे रहते, गांव में रह के कुछ करते तो अच्छा था। अब तुम्हारी मर्जी। लेकिन पिताजी, मैं जो निर्णय ले रहा हूँ वो आप पर निर्माले के बारे में सोचकर ही तो। अच्छा ठीक है, तुमने मन बना ही लिया है तो ठीक है, चले जाना। तो वैसे तुमको जाना कब तक है? अगले सप्ते। अगले सप्ते? इतनी जल्दी? तुम यहाँ पे थे तो मुझे भी कुछ सहायता हो जाती। अब तुम चले जाओगे तो फिर क्या, मैं गांव में ऐसे ही बेकार बैठा रहूं? मैं तुम्हें जाने को मना नहीं कर रहा हूं, चले जाना। ठीक है, जाओ, अपने जाने की तैयारी शुरू करो, मैं खाना खा लेता हूं। अरे भैया, अभी तक सोए हुए हो, उठना नहीं है क्या तुम्हें? आज कहीं पे हम लोग जाने वाले थे, भूल गए क्या? क्यों इतनी जल्दी उठा रहे हो, सोने दो ना। हम लोग कहीं पे जाने वाले थे, याद नहीं है क्या तुम्हें? अभी मुझे सोना है, चिल्ला मत। अब मैं चिल्ला रही हूँ, 8 बज गया है, सूरज सर पे चढ़ आया है, अंजू भी इंतजार कर रही होगी ना। उसको बोलना मैं कल मिलूंगी, जा। कल मिल लेंगे, अगर जाना ही नहीं था तो पहले ही बोल देते ना।
मैंने अंजू को बोल के रखा है, मना कर देते मैं उसको। अभी वो इंतजार कर रही होगी, जल्दी से उठो। वहाँ पे जाके ऐसा क्या क्या मिलेगा? क्या मिलेगा जाने से ही पता चलेगा ना। अभी उठो, मैं चाय बनाती हूँ। इतनी जल्दी उठा ली, थोड़ी देर और सो जाता। एकदम भी रुचि नहीं है। तुम्हें कितनी बार कह चुका हूँ, अभी जरा बकबक मत कर, चलो भी। एक बार लेकिन फिर भी सोच लो, खेती में भी बहुत ज्यादा मुनाफा होता है। क्या मुनाफा होता है? कंपनी की जब पर महीना में कम से कम सैलरी तो मिलेगा। चल घर जाके बात करते हैं, तुमसे तो बात करके कोई फायदा ही नहीं है। ठीक है चलो भी, चल। चलो तुमसे तो कुछ काम होने वाला है नहीं। हाँ ठीक है देखेंगे। डीडी किसान ने कर ली है तैयारी, यहाँ मिलेगी पशुपालन की हर एक जानकारी। घर आंगन से लेकर व्यवसायिक फार्म तक, मुर्गी पालन से लेकर रेगिस्तान के जहाज तक, बीमारियों से पशुपालक बिल्कुल ना हो परेशान, विशेषज्ञ करेंगे आपकी समस्या का समाधान। देखिए अपना पशु चिकित्सक हर रविवार शाम 6:30 बजे दूरदर्शन किसान पर। नमस्ते भैया। पर तुमने मुझे इधर क्यों बुलाया? भैया से मिलवाने के लिए ही तुझे यहाँ बुलवाया है। आओ मिलवाती हूँ। यही हमारा खेत है, वही मेरा भैया है। ये तुम्हारा भैया है? हाँ, इन्हें तो हर रोज मैं देखती हूँ खेती में काम करते हुए, लेकिन कभी मैंने ये सोचा नहीं था कि ये तुम्हारा भैया है। भैया ये लोग आ गए। अंजू। हाँ। क्या यही तुम्हारी सहेली निर्मली है? हाँ भैया। नमस्ते भैया। नमस्ते। आपको कई बार मैंने खेती में काम करते हुए देखा है, आप नए नए मशीनों से काम करते हो, आधुनिक मशीनों से काम करते हो। बहुत बार मन किया है आपसे बात करने का, लेकिन कभी हिम्मत ही नहीं हुई। हाँ भी ना। अच्छा पूछिए, आपको क्या पूछना है? मेरा भैया शहर जाना चाहता है, इनको यहाँ रह के खेती बाड़ी नहीं करनी। क्या रखा है? क्या है खेती बाड़ी में? दिन रात मेहनत करो और फायदा भी कुछ नहीं। किसने कहा? अगर तुम आधुनिक टेक्निकों या उन्नत मशीनों को इस्तेमाल करके वैज्ञानिक पद्धतियों से खेती करोगे तो तुमको इतना उपार्जन होगा, इतना इनकम होगा, जिससे तुम सारे सपने पूरे कर पाओगे। पर उन सबके लिए पैसा कहाँ से आएगा? सरकार से। चलो अंदर पंप घर की तरफ चलो, वहाँ मैं तुम्हें सारे मशीनों को चलाकर उनके लाभों का जानकारी देता हूँ तथा सरकारी सुविधाओं का लाभ उठाते हुए इन मशीनों को तुम कैसे प्राप्त कर सकते हो वो तुम्हें समझा लेता हूं। सुबह सुबह कहां चले गए थे तुम लोग दोनों? आज मेरी सहेली अंजू
उसके घर बुलाई थी, उनके भाई से भैया को मिलवाने के लिए लेके गई थी। पिताजी, मैं भी अब खेती करूंगा, और वो भी वैज्ञानिक पद्धतियों का इस्तेमाल करके। क्या? तू भी खेती करेगा? हाँ पिताजी। पर गुवाहाटी? अब मैं गुवाहाटी नहीं जाऊंगा, जब गांव में रहकर ही मेरा सपना पूरा कर सकता हूँ तो आप लोगों को छोड़कर क्यों जाऊँ? अब मैं यहाँ आपके साथ रहकर काम करूंगा। हाँ पिताजी, आज मेरी सहेली के भाई ने भैया को उन्नत तकनीकी एवं वैज्ञानिक पद्धतियों से खेती करने के बारे में समझाया है, और आज से भैया भी वही सब इस्तेमाल करके खेती करेंगे। हाँ पिताजी, सरकार ने हमारी फसल या उत्पादन बढ़ाने के लिए बहुत सुविधाएं उपलब्ध करवा रही है, लेकिन हम लोग ये सब के बारे में अनभिज्ञ होकर एक अभावग्रस्त जीवन व्यतीत कर रही हूँ, जबकि हम लोग एक सुखी और समृद्ध जीवन व्यतीत कर सकते हैं। अच्छा, ये तो बहुत ही अच्छी बात है बेटा। हाँ बेटा जी, कल मैं एग्रीकल्चर ऑफिस जा रहा हूँ इन सब के बारे में विस्तार से जानने के लिए। बहुत अच्छे बेटा, बहुत अच्छे। तू इसी तरह मेरे सामने रखे अपने सपने पूरे कर, मैं तो यही चाहता था। मुझे क्या चाहिए, कल तेरे साथ मैं भी एग्रीकल्चर ऑफिस चलूंगा। हाँ ठीक है पिताजी। नमस्ते मैडम। नमस्ते, बैठिए प्लीज। मैं आपकी क्या सहायता कर सकती हूँ? मैडम मतलब हम लोग। हाँ कोई बात नहीं, बोलिए बोलिए। एक्चुअली मैडम, पिताजी साल भर खेती करते हैं। अच्छा। लेकिन हमारा उत्पादन इतना भी नहीं होता कि हम लोग साल भर गुजारा कर सके, इस कारण से पिताजी को दूसरों के खेतों में भी काम करना पड़ता है। इसलिए मैंने शहर जाने का निर्णय लिया था, लेकिन विजय ने जब खेत की आधुनिक तकनीकों और वैज्ञानिक पद्धतियों के बारे में बताया तब मुझे पता चला। एकदम सही बताया विजय ने, हमारी सरकार ने कृषि के विकास के लिए बहुत ही अच्छे अच्छे कदम उठाए हैं। अभी कुछ ही दिन पहले हमारी सरकार ने एक योजना बनाई है किसानों के फायदे के लिए, जिसका नाम है प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना। इस योजना से आपके खेतों को बढ़िया से सिंचाई मिलेगी, और साथ ही आपको उन्नत नस्ल की बीज मिलेगी, जिससे कि आपके उत्पाद में वृद्धि हो सके। मैडम, इस योजना के बारे में जरा विस्तार से बताएंगी? हाँ हाँ जरूर। हमारी ये जो योजना है उसके द्वारा आपके हर एक खेत को बहुत अच्छे से पानी पहुँचाया जाएगा। इसके लिए हमारी सरकार ने तीन तीन मंत्रालय आपकी सेवा में लगा रखे हैं। एक तो है जल संसाधन मंत्रालय, दूसरा है नदी विकास और गंगा पुनरुद्धारण मंत्रालय, तीसरा है ग्रामीण विकास मंत्रालय। ये तीनों विकास मंत्रालय मिलकर आपके लिए काम करते हैं, जिसके द्वारा पहले तो जल का अच्छे से संरक्षण किया जाता है, और फिर उसी जल का अच्छे से वितरण करके आपके खेतों तक पहुँचाया जाता है। अच्छा, इस योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है मैडम? पिछले कई सालों से इतनी कोशिशों के बावजूद हम देख रहे हैं कि हमारी जितनी भी कृषि योग्य भूमि है वो अधिकांशतः बारिश पर ही निर्भर है। बरसात न होने की स्थिति में आप किसान भाइयों को बहुत ही भयावह स्थिति का सामना करना पड़ता है। इसी के मद्देनजर हमारे प्रधानमंत्री ने इस योजना को लागू किया है। इस योजना के तहत हम चार चरण में काम करते हैं। एक तो है कि जो आपके जलाशय खाली हो जाते हैं उन जलाशयों का पुनः भरण करना, फिर जो पानी का बहाव रुकता नहीं है पानी के बहाव को रोकें, और किस समय आपके पास कितना पानी रहता है उस समय आपको किस फसल का चयन करना चाहिए। तो हमने एक ऐसी टीम तैयार की है जो कि आकर आपको बताएगी कि किस पानी की मात्रा में आपको किस बीज को बोना चाहिए। साथ ही जितने भी आधुनिक सिंचाई प्रणाली के जो भी आपकी व्यवस्थाएं हैं वो सब आप तक पहुंचे, जैसे कि स्प्रिंकल सिस्टम हुआ, ड्रिप सिस्टम हुआ, इन सब की जानकारी आपको दें, आप किसान भाइयों को जागरूक करें, और इन सब को हम चाहते हैं कि आप तक पहुंचाए। जब बात अच्छी सेहत की हो, किसी तरीके की लापरवाही नहीं करो, किसी तरीके का समझौता ना करो। ना बरतें लापरवाही, लक्षणों को पहचाने और लें डॉक्टर की सलाह। चाहे बीमारी दिल की हो, दांतों की हो या दिमाग की हो, खुद से इलाज ना करें, खुद से कोई भी दवाई ना खाएं,
डॉक्टर के पास जाएं, अपनी जांच कराएं और अपना पूरा इलाज करवाएं और अपना ख्याल रखें। कार्यक्रम जो देगा सलाह भी मार्गदर्शन भी। मोबाइल उठाएं, नंबर मिलाएं 1800-11-3060 या 1800-11-3061। आपके अपने फोन इन कार्यक्रम स्वस्थ किसान में हर शनिवार शाम 6 से 7 बजे सिर्फ डीडी किसान पर। मैडम, हम लोग इन सुविधाओं का लाभ नहीं उठा सकते क्या? हाँ हाँ, तुम जैसे उत्साहित नौजवानों के लिए ही तो हमारी सारी योजनाएं हैं। तुम अगर आओगे आगे तो तुम इसका लाभ उठाकर अपने सपनों को साकार कर सकते हो। धन्यवाद धन्यवाद मैडम, आपने मेरे आंखें खोल दी। नहीं नहीं, अरे इसमें धन्यवाद की क्या बात है, ये तो मेरा फर्ज है। अगर देखा जाए तो सरकार ने सारी योजनाएं जनहित के लिए आप लोगों के लिए ही तो बनाई है। यहाँ तक कि हम जैसे अफसरों की नियुक्ति भी इसीलिए की है जिससे कि आप लोगों की भलाई हो सके। परंतु जब तक आप लोग आगे नहीं आते तब तक इसमें कुछ भी कर पाना मुमकिन नहीं है। आप आज आए तो मुझे लग रहा है भविष्य जरूर सुनहरा होगा। हाँ मैडम, मैं भी चाहता हूँ कि मेरे साथ गांव के हर नौजवान आगे बढ़े और इन आधुनिक पद्धतियों को इस्तेमाल करके खेती करे। यह तो तुमने बहुत ही अच्छी बात कही रातुल। अब मैं चाहती हूँ कि जबकि तुम्हें यह बात पता चल चुकी है, आप लोग इसको समझ चुके हैं, तो ये सारी जितनी भी योजनाएं बनी हैं, ये सब जनहित के लिए तो बनी है ना। गांव के हर एक किसान तक ये बात पहुँचे, हर एक किसान को ये राह मिले और हर एक की फसल उन्नत हो, और हर किसान अगर खुशहाल रहेगा तो हमारा देश भी खुशहाल होगा। देश का किसान खुशहाल तो देश खुशहाल। मैडम जी, आपसे विनती है। हाँ हाँ, ये सारी बातें अगर आप हमारे गाँव आके हम गाँव वालों को बताते तो वो भी उपकृत हो जाते। देखिए, ये अगर मेरे लिए संभव होता तो मैं अवश्य आती। हमारा एक ऑफिसर जाएगा आपके वहाँ पर और आपकी जितनी भी शंकाएं हैं उन सब का समाधान करेगा। भविष्य में कभी भी आपको मेरी जरूरत हो तो आप मेरी ऑफिस में आइए, मैं हमेशा आपकी सेवा में हाजिर हूँ। धन्यवाद 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 मैडम, ठीक है, चलता हूँ। ओके। आज जाके मेरा सपना पूरा हुआ। इतनी दिनों से मैं यूं ही नौकरी के पीछे भागता रहा। खेती करके भी लोग एक अच्छा जीवन बिता सकते हैं। आप लोग बैठिए, जाइए मत, देर हो गई मालूम है, शाम हो गई है। मैडम आप लोगों को कुछ बोल रही है, अच्छे से सुन के जाइए, काम की बातें हैं, ज़्यादा देर नहीं लगेगा, थोड़ी देर में मीटिंग खत्म हो जाएगी, बैठिए। दोस्तों, मेरे साथ गांव के हर किसान को आगे बढ़ते हुए देखना चाहता हूँ। धन्यवाद। ये तुमने बहुत अच्छी बात कही रातुल, ये सारी सुविधाएं जनहित के लिए ही उपलब्ध कराई जा रही है और हमारे देश की
हर किसान को उनका लाभ उठाना चाहिए, तभी हमारे देश का विकास संभव हो सकता है। हर किसान को विजय की तरह हर सुविधा का लाभ उठाकर अपने खेतों का अच्छा उत्पादन कर अपने सभी सपनों को साकार करने के लिए कदम आगे बढ़ाने चाहिए। मैंने आपको जो समझाया है आप लोगों को जरूर समझ में आया होगा। अब से हमारा एक ही लक्ष्य होगा कि गांव के हर किसान को इन सभी की जानकारी हो तथा इन सब सुविधाओं का लाभ उठाए। आइए मैडम, आइए देखिए, ये है हमारा खेत। सुंदर, अति सुंदर, बहुत अच्छा लगा। थैंक यू मैडम, थैंक यू सो मच। सरकार की सुविधाओं का उचित प्रयोग करने से सक्सेसफुल क्यों नहीं होंगे? ये तो है। थैंक यू मैडम, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। मुझे नहीं, सरकार को और अपनी मेहनत को। खेती की बाधाओं को पार था एक कार्यक्रम। तकनीकी को नए आयाम तक ले जाता एक कार्यक्रम। नई शोध नई खोजों से रूबरू कराता एक कार्यक्रम। हम बताएंगे कैसे मिलेगा हर समस्या का समाधान, कैसे होगी खेती किसानी आसान। जानने के लिए देखिए कार्यक्रम नए भारत का बढ़ता किसान हर शनिवार शाम 4:30 बजे, पुनः प्रसारण हर रविवार शाम 4:30 बजे दूरदर्शन किसान पर। अथ श्री महाभारत कथा। महाभारत कथा। पुरुषार्थ की ये स्वार्थ की परमार्थ की सारथी जिसके भले श्री कृष्ण भारत पार्थ की। शब्द दिक् घोषित हुआ जब सत्य सार्थक सर्व था। शब्द दिक् घोषित हुआ। देखिए महाभारत सोमवार से शनिवार शाम 5 बजे, पुनः प्रसारण सुबह 10 बजे
सिर्फ डीडी नेशनल पर, देश का पहला चैनल, देश का अपना चैनल। पांच सालों में एक बार वोट करके आप सिर्फ सरकार ही नहीं चुनते, बल्कि आप सरकार का एक हिस्सा बन जाते हैं। एंड आई वुड रिक्वेस्ट एवरी सिंगल पर्सन टू कम आउट हियर एंड एक्सरसाइज देयर डेमोक्रेटिक राइट। साल 2009 में मैंने पहली बार अपना वोट डाला था एंड इट वॉज अ वंडरफुल मोमेंट। मैं और मेरा पूरा परिवार हम गए थे, हालांकि हमें बहुत ज़्यादा दूर नहीं जाना पड़ा था। हमारे घर के ठीक बगल में एक बीएमसी का स्कूल है जहाँ पे वोटिंग सेंटर उसे बनाया जाता है हर इलेक्शंस के दौरान। तो वहाँ जाके पूरी सोसाइटी वाले, आसपास के नेबरिंग के जितने भी बिल्डिंग्स हैं, वहाँ के लोग सब एक साथ इकट्ठे हुए थे एंड इट ऑलमोस्ट फेल्ट लाइक अ फेस्टिवल। एंड आई रिमेम्बर आई वॉज वेरी वेरी एक्साइटेड टू गो एंड एक्सरसाइज माई डेमोक्रेटिक राइट फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम। और पहली बार जब मुझे इंक लगाई थी, सो इट गेव मी अ सेंस ऑफ पावर, इट गेव मी अ सेंस ऑफ कॉन्ट्रीब्यूशन टूवर्ड्स दिस वंडरफुल डेमोक्रेटिक एक्सरसाइज। माई वाइफ शीतल, शी इज़ फ्रॉम हिमाचल प्रदेश, बिलासपुर डिस्ट्रिक्ट से हैं वो। तो एक बार स्टेट असेंबली इलेक्शंस के दौरान वो सिर्फ अपना वोट दर्ज कराने के लिए फ्लाई करके गई थी एंड दैट काइंड ऑफ रियली रियली इंस्पायर्ड मी। और मैं इस बार सभी देशवासियों से आग्रह करूंगा कि प्लीज़ आप भी अपना वोट डालें, इस खूबसूरत डेमोक्रेटिक एक्सरसाइज का हिस्सा बने एंड कम बी अ पार्ट ऑफ दिस वंडरफुल सेलिब्रेशन विच हैपेंस वंस इन 5 years इन द लार्जेस्ट डेमोक्रेसी इन द वर्ल्ड। 5 साल में 5 मिनट तो देश को दे ही सकते हैं, आओ गर्व के साथ अपना वोट दें। मेरा वोट मेरी वॉइस। केसरी नंदन तिहु जग वंदन अंजनी सुत बलधारी, संकट मोचन नाम तुम्हारा, संकट मोचन नाम तुम्हारा, हर संकट पे भारी। जय हनुमान जय हनुमान, संकट मोचन जय हनुमान। देखिए संकट मोचन हनुमान सोमवार से शुक्रवार शाम 7 बजे सिर्फ डीडी नेशनल पर, देश का पहला चैनल, देश का अपना चैनल। जब बात अच्छी सेहत की हो, किसी तरीके की लापरवाही नहीं करो, किसी तरीके का समझौता ना करो, ना बरतें लापरवाही। लक्षणों को पहचाने और लें डॉक्टर की सलाह। चाहे बीमारी दिल की हो, दांतों की हो या दिमाग की हो, खुद से इलाज ना करें, खुद से कोई भी दवाई ना खाएं, डॉक्टर के पास जाएं, अपनी जांच कराएं और अपना पूरा इलाज करवाएं और अपना ख्याल रखें। कार्यक्रम जो देगा सलाह भी मार्गदर्शन भी। मोबाइल उठाएं, नंबर मिलाएं 1800-11-3060 या 1800-11-3061। आप भी अपने फोन इन कार्यक्रम स्वस्थ किसान में हर शनिवार शाम 6 से 7 बजे सिर्फ डीडी किसान पर। अब हमारा डीडी किसान आ रहा है हम सबके बीच में नए अंदाज में। बदलते भारत की शान।